समर्थन दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि जो आरक्षण है उसको खत्म किया जाए और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर जल सत्याग्रह कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की। आज जल सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? आरक्षण को खत्म किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आरक्षण के खिलाफ सवर्ण समाज, ब्राह्मण समाज के लोग सब मिलकर हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। हमने पहले बताया कि हमें माइके लाल, हमें त्रिपुंडधारी, हमें जनेऊधारी, उसके बाद हमने आरक्षण विनाशाय स्वाहा किया। आज हम सांकेतिक जल सत्याग्रह कर रहे हैं 3 घंटे का। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां सवर्णों के बारे में क्या मत रखती हैं उसको स्पष्ट करें, नहीं तो आने वाले समय में हम नाको चने उनको दबा देंगे और उनको पता चल जाएगा कि सवर्णों का भी क्या योगदान रहता है सरकार बनाने में। आज 3 घंटे का जल सत्याग्रह है, इसके बाद अगला स्टेप, अगली रणनीति क्या? अगला स्टेप 10 तारीख को हम लोग नर्मदा जी के किनारे, लगभग पूरे प्रदेश में घाटों के किनारे मुंडन संस्कार करेंगे। उसके बाद हम आगे के भी आंदोलन करेंगे और हम चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे जब तक राजनीतिक पार्टियां ये नहीं बताती कि सवर्णों के बारे में उनका क्या विचार है।